हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। अभी हम हैं जी बनारस में। बनारस से हम निकल रहे हैं अयोध्या के लिए। हमने एक ट्रेन बुक की है। ट्रेन का नाम नंबर मैं आपको बस अब बताता हूँ अगले क्लिप्स में। अभी बस यहाँ से निकलते हैं। अभी हम बनारस एक मठ में ठहरे हुए थे। मठ की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पिछले व्लॉग्स में मिल जाएगी कि कैसे हमने कितने का यहाँ पर रूम बुक किया। और यहाँ से नियर बाय काशी विश्वनाथ और दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट, सारे कितने कितने दूर हैं तो वो आप पिछले व्लॉग्स चेक कर सकते हो। बस अभी हम निकल रहे हैं और पहले जाते हैं कहीं लंच करते हैं थोड़ा छोटा मोटा, और फिर उसके बाद स्टेशन जाएंगे। अभी लगभग 3 बज रहे हैं। हमारी जो ट्रेन है वो 5:15 की है। 5:15 बजे ट्रेन निकलेगी और अयोध्या पहुँचने का उसका एक्सपेक्टेड टाइम है अराउंड 8:30 के आसपास। बाकी जो भी ट्रेन का रूट होगा वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताता हूँ। ओह सॉरी, अगले व्लॉग में नहीं, अगले क्लिप्स में बताता हूँ। और अभी बस हम निकलते हैं। यहाँ जंगमवाड़ी मठ में रुके थे, बस यहाँ मठ से निकलते हैं और चलते हैं जी, कुछ खाते हैं फिर आपसे मिलता हूँ। जी मठ जहाँ पे हम रुके हुए थे, जंगमवाड़ी मठ नाम है इसका। यहाँ पे एसी रूम्स भी हैं, नॉन एसी रूम्स भी हैं। बुकिंग आपको प्रायर करा के आना पड़ता है, ऑनलाइन का नंबर मिल जाएगा। हमने बुकिंग थी वो कुछ 1-1.5 महीने पहले करा ली थी, तो हमें एसी रूम की बुकिंग मिल गई थी। ठीक रहा, गर्मी भी अच्छी थी तो एसी रूम बेटर रहे। लुक चेंज कीजिए हमने, वैसे तो थोड़ी बहुत धूप है, ज़्यादा नहीं। अब टोपी लाए थे तो थोड़ा डाल लेते हैं। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। ये पीछे मठ था जहाँ पर हम रुके हुए थे, जंगमवाड़ी मठ। यहाँ से हम कुछ खाने जा रहे हैं, तो ई रिक्शा ढूंढते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। मतलब कुछ होटल काफ़ी लोगों ने कहा था कि यहाँ पे जरूर जाइएगा, यहाँ चल रहे हैं। हो गया जी, हम जा रहे हैं होटल डॉल्फिन जहाँ कल गए थे, और यहाँ पे जाके कुछ खाते हैं। ये अपना लंच हो गया जी, अब हम चलते हैं स्टेशन की तरफ, पकड़ते हैं ट्रेन और निकलते हैं बनारस से अयोध्या के लिए। और बादल हो गया आज तो अच्छी बात है, शायद मानसून का थोड़ा इफेक्ट आने लगा है। टेम्परेचर भी कुछ दिनों से 46-47 के आसपास जा रहा था, तो ठीक है, थोड़ा बादल आएगा, मौसम ठंडा होगा, अच्छी बात है। जी हम रिक्शा में जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। 5:15 की हमारी ट्रेन है, 4:15 ही हम निकल गए स्टेशन के लिए। अब स्टेशन नापेंगे और क्या, इधर से उधर। जी स्टेशन के अंदर क्लाउडी मौसम है आज, बढ़िया है। 5:15 की ट्रेन के लिए हम 4:15 ही पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं क्या किया जाए। स्टेशन की मेन एंट्रेंस पर आ रही, शायद इस फोन में ना आ रहा हो। ट्रेन का नंबर है 14853, 3rd पे लिखी है। 5:10 पे ट्रेन का अराइवल है। 6 नंबर प्लेटफॉर्म से ट्रेन आएगी और ये हम सामान चेकिंग के लिए दे रहे हैं साथ ही साथ। नंबर 1, हमने वो स्टेयर्स करनी है जहाँ से हमने एंट्री की स्टेशन की। और आप अभी देखिए स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 पूरा पैक्ड है। अब हम चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। हम आ गए हैं जी प्लेटफॉर्म 2-3 यहाँ पे। जब हम आए थे अभी जम्मू से, तो हमारी जो ट्रेन थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी। अभी ये जो ट्रेन है मारूगर, ये है जी वाराणसी सिटी से चलती है और जाती है जोधपुर तक। अभी इसके सारे के सारे जो स्टेशन बीच में आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो 4:50 के आसपास ये चलती है वाराणसी सिटी से, और वाराणसी जंक्शन जिस स्टेशन पे हम हैं अभी, इस स्टेशन पे, इस प्लेटफॉर्म, इस मतलब इस स्टेशन पे ट्रेन आएगी 5:10 के आसपास। तो देखते हैं जी, निकल गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ। प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 फुली पैक। इज अराउंड 4:36 PM। जो हमारी ट्रेन है उसका एक्सपेक्टेड अराइवल इज़ अराउंड 5:10 PM। तो अभी अराउंड हमारे पास आधा घंटा है। तो जैसे कि हमारा हर बार होता है,
जब हम प्लेटफॉर्म पर जल्दी पहुंच जाते हैं तो हम स्टेशन नापते हैं। पीछे से हम आ रहे हैं, पीछे अपना दोस्त बैठा है, सामान उसके पास छोड़ दिए हैं और हम चल रहे हैं पैदल पैदल, जहाँ वाराणसी जंक्शन का बोर्ड लगा है वहाँ तक जाएंगे। हाथ में भी एक ट्रेन खड़ी है और हमारे लेफ्ट साइड से एक माल गाड़ी आ रही है, तो बस हम चलते जा रहे हैं। ये देखिए एक ये ट्रेन जा रही है, ईशा जाने वाली होगी सूरत, छपड़ा सूरत ये ट्रेन, और एक ये ट्रेन जो यहाँ से आ रही है। पहुँच गए बिल्कुल स्टेशन की स्टार्टिंग एंडिंग, जैसा भी हमारा पर्सपेक्टिव रहता है। तो हम स्टेशन के एक फर्दर एंड पे पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे खड़े होते हैं 10-15 मिनट, हवा अच्छी चल रही है, फिर चलते हैं वापसी को, तब तक ट्रेन आने का समय भी हो जाएगा। एक ट्रेन और आई है जी, अभी जब हम खड़े थे तो देखिए। एंजॉयमेंट चल रही है जी, बिल्कुल अभी हम हैं प्लेटफॉर्म की स्टार्टिंग में, ये वाराणसी जंक्शन का बोर्ड, एक ट्रेन आई है, पीछे से एक ट्रेन जा रही है, हम यहाँ खड़े हैं अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हुए। हमारी ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म पे आनी है, शायद जब ये ट्रेन जाएगी तो हमारी आएगी ट्रेन। बस जी खड़े हैं यहाँ पे, अब मैं आपको ट्रेन का रूट बता देता हूँ। तो जो हमारी ट्रेन है ये वाराणसी सिटी से जोधपुर तक, तो जो बीच में इसके मेन मेन स्टॉप जाते हैं, एक आ जाता है जौनपुर, एक आ जाता है अकबरगंज और एक बबतपुर आता है, वो तो निकलते ही यहाँ से आ जाएगा, और उसके बाद अयोध्या धाम है। टोटल अयोध्या धाम तक की जो हमारी ट्रेन जर्नी रहेगी 10 किलोमीटर्स, डैट वुड बी अराउंड 180-185 किलोमीटर, तो छोटी सी जर्नी है, 3.25 घंटे के आसपास की टोटल जर्नी होगी अगर ट्रेन टाइम पर रही तो। बाकी लेट्स सी, अभी मैं देख रहा था NTES पे कि ट्रेन निकली कि नहीं निकली वाराणसी सिटी से, तो अभी तक तो ट्रेन नहीं निकली है वाराणसी सिटी से, जैसे ही निकलती है तो बस हम भागेंगे अपने डिब्बे की तरफ। और जो एक कोच है हमारा जी B3, और इसके हमने पे किए हैं अराउंड 555 रुपीज़ पर सीट टू रीच टू अयोध्या धाम जंक्शन। बाकी बस ये खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे, पीछे से एक ट्रेन और आ रही है, अगर आपको दिख रही हो, हाँ ये रही, तो ये ट्रेन एक और आ रही है। बस हम भी चलते हैं अपने डिब्बे की तरफ जी। NTS पोर्टल पे अपडेट हो गया, हमारी ट्रेन वाराणसी सिटी से निकल चुकी है विद नो डिले एट 450। बस अब हम भी जा रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ, पीछे से तो हम काफ़ी आगे आ गए, प्लेटफॉर्म बस हमारे स्टार्ट होने लगा, तो अब हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। यहाँ पे कोच नंबर्स नहीं लिखे आ रहे, तो किससे पूछना पड़ेगा कि कोच कहाँ पे आते हैं AC वाले, वो अगर थोड़ा बता देंगे तो इजी रहेगा, नहीं तो फिर किसी भी डब्बे में चढ़ जाएंगे और देख लेंगे। यहाँ पे स्टॉपेज 5 मिनट का है इस ट्रेन का, बस बैठते हैं अब, अपनी ट्रेन आती है तो आपको ट्रेन दिखाते हैं फिर अपनी सीट पर बैठते हैं। 5:07 हो रहे हैं जी, ट्रेन ट्रेन आनी 6 नंबर पे थी, पता नहीं कौन से आ रही है, देखना पड़ेगा, कुछ सिस्टम सेट नहीं रहा। वाली ट्रेन आ गई है जी, अपनी ट्रेन पता नहीं कहाँ रहेगी, मैंने पहली बार देखा, मैंने कहा ट्रेन 3 मिनट बिफोर आ गई है, अब पता चला कि ये पटना वाली ट्रेन आई है, ये जाएगी फिर हमारी ट्रेन आएगी। 15 का तो डिपार्चर था, 20 तो हो गए, देखते हैं जहाँ इतनी लेट ट्रेनें देखी हैं, वहाँ ये भी थोड़ी लेट हो जाएगी, और तो क्या ही होगा। ट्रेन निकल चुकी है जी पटना वाली, अब होपफुली इसके बाद हमारी ही ट्रेन आनी चाहिए, देखते हैं। हो गई है जी, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आ रही है ट्रेन, तो बस ट्रेन का वेट करते हैं, आपको ट्रेन दिखाते हैं फिर ट्रेन में चढ़ते हैं। हमने NTS पे देखा जी, कोच पोजिशन जो है वो पीछे की तरफ है, तो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, अब अगर आगे की तरफ आ गई तो फिर आगे की तरफ आ जाएंगे। ये तो वही वाला वो हो गया मैं, अरे बहुत जगह है नहीं जगह है, तो अब ट्रेन आ रही है जी, हम देखते हैं हमारे कोच की जगह कहाँ है।
फिर उस हिसाब से देखते हैं यहाँ को जाना सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आ गई है जी ट्रेन, वाराणसी सिटी टू जोधपुर 1:48:53। ठीक है जी, स्लीपर में डब्बे आगे थोड़ा डब्बा पीछे ही होगा तो ठीक ही है। वाराणसी सिटी स्टेशन, बाय बाय टू वाराणसी। फिर देखते हैं कब चक्कर लगेगा, जब भोले बाबा बुलाएंगे तब चक्कर लगाएंगे। अब चलते हैं जी अयोध्या और देखते हैं अयोध्या पहुंच के कैसे विचार बनते हैं। तब तक आपको अयोध्या तक की ट्रेन जर्नी दिखाते हैं जी। बस बाहर के दृश्य चलते जा रहे हैं। चाहिए जी पानी की बोतल, बिल सारी की बिस्लेरी बन गया, बिल सारी विद एडेड मिनरल्स, बाकी नीचे स्पेलिंग सारे सही हैं। ऊपर कंपनी के रजिस्ट्रेशन का पंगा होता होगा, बाकी बॉटल सील्ड थी तो ठीक है। ब्रांड तो ये भी रजिस्टर्ड ही है, देख लीजिए बिल सारी रजिस्टर्ड ब्रांड है। टिपिकल वैल्यू तो सेम ही रहती होंगी मोस्ट सबकी मेरे को लगता है। चलिए बढ़िया है, बिस्लेरी का बिल सारी भी किया हमने। सोनपुर क्रॉस किया जी हमने, अब तो चलते जा रहे हैं ट्रेन। बीच में छोटे छोटे स्टॉपेजेस हैं, काफ़ी स्टॉपेजेस हैं ट्रेन के, 4-5 स्टॉप ले चुकी है, बट हाँ कंफर्टेबल ट्रेवल है, आराम से बैठे हैं। टाइम हो गया जी 9:30, 8:30 बजे ट्रेन पहुँचने थी, 9:30 बज चुके हैं। अभी ट्रेन ने दर्शन नगर स्टेशन क्रॉस किए, दर्शन नगर स्टेशन जस्ट अयोध्या जंक्शन से एक पहले वाला स्टेशन है। तो बस यहाँ से 4-5 हज़ार किलोमीटर के आसपास शायद अयोध्या धाम स्टेशन होगा। अभी हम उतरते हैं अयोध्या धाम और आपको अयोध्या का रेलवे स्टेशन दिखाते हैं। प्लेटफॉर्म पे ट्रेन लग रही है जी, ये देखिए ये अयोध्या धाम स्टेशन। लगी है जी ब्रेक, उतरते हैं अब ट्रेन से। ये देखिए जी ट्रेन रुकी है, 1 मिनट का स्टॉपेज है सिर्फ यहाँ पर, और उस कारण पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो पूरा पैक हो जाता है। देखिए जी लोग रह गए हैं नीचे, ट्रेन चल पड़ी है। थोड़ा गड़बड़ वाला सीन हो जाता है मेरे को लगता है, कुछ मैनेजमेंट है जी। हाँ देखिए ट्रेन रुक गई है, वो बस इसलिए चलाई गई थी कि जो लोग हैं वो फटाफट चढ़ जाएं। अभी स्टॉपेज बहुत कम मिनट का है और इस स्टेशन पर रश काफ़ी है, इस कारण शायद चेन पुलिंग हुई है क्योंकि लोग काफ़ी नीचे रह जाते हैं। जिसने चढ़ना है जिसने उतरना है वो 1 मिनट से तो 5 मिनट हो गए ट्रेन को खड़े हुए, बट फिर भी वो टाइम कम हो जाता है। ट्रेन ऑलरेडी लेट चल रही है, कुछ 1.25 घंटे के आसपास जोधपुर तक जाना है, तो ये कल 5:30 तक के आसपास का जोधपुर का अराइवल टाइम था। बट हाँ ये देखिए लोग नहीं चढ़ पाते होंगे तो शायद चेन पुलिंग हो जाती होगी, इसलिए अभी ट्रेन के कटे 3 हॉर्न आ गए थे। तो ये थोड़ा सिस्टम जो है वो ऐसा हो जाता है इस ट्रेन। चलते जी प्लेटफॉर्म के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए और ट्रेन अभी भी खड़ी है, जब तक सारे लोग नहीं चढ़ेंगे तब तक ट्रेन नहीं चलाई जाती। ये देखिए पूरा का पूरा देखा जा रहा है, तभी शायद ग्रीन झंडी दिखाई जाएगी। Thank you.
ये देखिए हम पहले नंबर प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे अयोध्या धाम जंक्शन का बोर्ड लगा हुआ है जी। हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे चल रहे हैं और स्टेशन की मेन एग्जिट पे जा रहे हैं। यहाँ से एग्जिट करते हैं और फिर देखते हैं, बाहर निकलते हैं और आपको एक बार बाहर से भी स्टेशन दिखाते हैं अयोध्या का, फिर उसके बाद ये वाला व्लॉग एंड करेंगे। मेन स्टेशन की बिल्डिंग के पास हम पहुंच गए हैं और पीछे बैकड्रॉप में बिजली चमक रही है थोड़ी थोड़ी, तो देखिए अगर बारिश आने का विचार बनता है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। 10:06 हो रहे हैं, अभी हम अयोध्या धाम के स्टेशन पर हैं और यहाँ से अभी एग्जिट करते हैं। आपको स्टेशन का सारा बाहर का परिसर दिखाते हैं। ठीक जी, अब हम आ गए हैं स्टेशन की मेन एग्जिट पे और ये देखिए ये घाट वर्क है यहाँ पे और पूरा का पूरा बहुत ही सुंदर ही सारा का सारा अंदर से बना हुआ है स्ट्रक्चर। धाम जंक्शन, ये अंदर एक आर्ट वर्क और ये पूरा मल्टी लेवल स्टेशन बना हुआ है। काफ़ी सारी सुविधाएं होंगी ऊपर, क्लॉक रूम से लेके कमरों से लेके काफ़ी कुछ। बस अब हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं जी, अयोध्या धाम जंक्शन का स्टेशन। ये थी जी अपनी ट्रेन राइड फ्रॉम वाराणसी बनारस टू अयोध्या। पीछे हमारा अयोध्या धाम का स्टेशन है। अब हम ये वाला व्लॉग करते हैं जी एंड। हमारा एक्सपेक्टेड ट्रेन जर्नी का अराइवल था 9:35 का, पहुँचे 8:35 का, पहुँचे हम 9:35-9:40 के करीब, तो अराउंड एन आवर का डिले था। बट प्रेजेंट जर्नी थी, कंफर्टेबल जर्नी थी। ठीक है जी, ये वाला व्लॉग हम करते हैं ख़त्म और अब आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग में, जिसमें हम अयोध्या सिटी में घूमेंगे, राम मंदिर जाएंगे, वो सब आपको अगले व्लॉग्स में दिखेगा। तो लेट्स क्लोज दिस व्लॉग, बाय बाय।